नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, आप भगवान शिव को बेल पत्र चढ़ाते हैं, तो आप ये आज का वीडियो आखिर तक अवश्य देख लें। आज हम संदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका आपको बताने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखते रहें। दोस्तों, भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय बेलपत्र है, जिसे संस्कृत में बिलव पत्र भी कहा जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से उन्हें शीतलता प्राप्त होती है। सनातन धर्म में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और स्नेह की भावना सर्वोपरि है, इसलिए शास्त्रों में फूल पत्तियों को तोड़ने के कुछ नियम उल्लेखित है। हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ अत्यंत लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं। सोमवार को भगवान शिव की आराधना की जाती है, उनको खुश करने के लिए सोमवार का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें भगवान शिव की प्रिय सामग्री उन्हें अर्पित करने का विधान है। भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय बेलपत्र है, जिसे संस्कृत में विलव पत्र भी कहा जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से उन्हें खुशी और शीतलता प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पत्तियों को तोड़ने के कुछ नियम हैं। ऐसे में बेलपत्र को तोड़ने का, भगवान शिव को अर्पित करने का कौन सा नियम हो सकता है? दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि बेलपत्र और जल से भगवान शंकर का मस्तिष्क शीतल रहता है। पूजा में इसका प्रयोग करने से भी बेहद जल्द खुश होते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने और इसे तोड़ने के कुछ खास नियम होते हैं, जिनका पालन करना बेहद आवश्यक है। मान्यताओं के अनुसार चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी और अमावस्या तिथि संस्कृति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने के लिए इन तिथियों या वार से पहले तोड़ी गई बेलपत्र आराधना चढ़ाना अशुभ माना जाता है। बेलपत्र को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि यदि नया बेलपत्र ना मिले तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धोकर कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। शाम होने के बाद बेलपत्र क्या किसी भी वृक्ष को हाथ नहीं लगाना चाहिए, टहनी से एक एक करके बेलपत्र ही तोड़ना चाहिए, पूरी टहनी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बेलपत्र तोड़ने से पहले और तोड़ने के बाद मन ही मन प्रणाम कर लेना चाहिए। इस तरह शिवलिंग पर भी बेलपत्र चढ़ाने के नियम हैं। भगवान शिव को बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र का चीकना या भांग अंदर की तरफ यानी कि शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। दोस्तों, बेलपत्र में वज्र और चक्र नहीं होना चाहिए। बेलपत्र 3 से 11 पत्ती वाले होते हैं, इसमें जितने अधिक पत्र होते हैं भगवान शिव को अर्पित करने का उतना ही अधिक लाभ होता है। यदि बेलपत्र ना मिल पाए तो बेल के वृक्ष के दर्शन करना ही ताप और पाप को नष्ट करता है। शिवलिंग पर चढ़ाए दूसरे के बेलपत्र की उपेक्षा या अनादर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप भगवान शिव को खुश करते हैं तो सच्ची आराधना के साथ बेलपत्र अर्पित करें, जिससे भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे।
तो संदीप जी के द्वारा, यानी कि संदीप जो आपके और हमारे पूजनीय हैं उनके द्वारा बताई गई विधि विधान से आप संदीप मिश्रा जी के नक्शे कदम पर चलो और उनके द्वारा बताई गई जो बातें हैं उनका स्मरण अवश्य करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।